ये वीडियो में कुछ कठोर शब्दों का उपयोग किया गया है, तो कृपया करके हेडफोन लगा लीजिए। और डेली का डायलॉग तो पता है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, गेम के बारे में बताने से पहले सबसे पहले तुम ये चुतिया पा देखो। इधर पे दिया था सेट योर एज, बट इधर पे मैंने पता नहीं कौन से चुतिया पे मैं बिना देखे अपना एज जो है 60 बता दिया है। तो ऐसे ही चुतिया पा तुमको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे रुको, जरा सबर करो। सो गाइस, आज अपन जो गेम खेलना चाह रहे हैं वो है भूखा सरक सकत सर्क सार्क होता है वो। अरे वो, हाँ वही, सेम टू सेम। तो आज अपन गेम खेलने वाले हैं, भूखा सार्क को वर्ल्ड में खाना खिलाएंगे। वैसे वर्ल्ड नहीं है, लेकिन ये क्या भाई, ये सार्क तो आसमान से आ रहा है भैया। मतलब ये क्या पक्षियों को खाने गया था क्या? तो इधर पे अपने जो है वो पक्षी उच्छी सबको खाएंगे, क्योंकि आज अपन 40 किलोमीटर दूर से चल के आए, तो बहुत भूखे हैं। और इंसान को तो खाना बनता है, क्योंकि समुद्री जीवों को इंसानों ने खराब किया। लेकिन ये गोल्डन मैन को खाओ, अपना गोल्ड बढ़ाओ। और ये मोटी को तो जरूर खाऊंगा, मोटी खा लूंगा ना तो पक्का है मेरा पेट भर जाएगा। और गाइस, फटाफट से तुम लोग ना नीचे कमेंट करके बता दो कि क्या तुमको ये मोटी खाने को मिल सकती है, मतलब कि सार्क को, हमारे सार्क भैया को मिल सकती है। तो अभी तो हमारे पास कोई मोटा मोटी नहीं है, तो अपने को इसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या, नीड सार्क एम, मतलब कि मैं इसको नहीं खा सकता क्योंकि आई एम छोटा सार्क, बोले तो सार्क का बच्चा। तो सार्क का बच्चा, सार्क का बच्चा, सार्क का बच्चा, तो सार्क, तो सार्क, तो सार्क। अरे रुक जा एडिटर, ये कौन सा गांजा फूक के वीडियो एडिट कर रहा है यार? मतलब ये सब नहीं दिखाने का था। मैं आई कमिंग। आज तो लौड़े लग गए। क्या हुआ, क्या बोला अभी तू? कुछ नहीं कुछ नहीं, एडिट करो और क्या। अरे यार मैं तो मस्ती कर रहा था यार, मतलब थोड़ा मस्ती भी नहीं कर सकता मैं तेरे साथ? सही खेल गया बेंचो। सो गाइस, अभी इधर पे जो है अपने इंसान को फिर से खाएंगे, क्योंकि तुमको पता है कि इंसान जो है हम खुद ही है। तो हम अपने आप को खाने का आनंद लेंगे और देखेंगे कि अपन कैसे खा सकते हैं इसको। और मेरे को ये समझ नहीं आता, जब इन लोग को पता है और साइन बोर्ड लगा है कि इधर पे सार्क है, तो ये लोग इधर पे आते क्यों है ना, ये बताओ। ये देखो, अभी देखो, ये इंसान की फटके चार हो गए। और ये रही मोटी, अरे मोटी को खा रहे सार्क। इन लोग को छोड़ यार, ये सार्क भी चूतिया है। ये मेरा मतलब, मैं नहीं चूतिया हूँ, सार्क चूतिया है। आई एम छोटा सार्क, बोले तो सार्क का बच्चा। अरे भैया मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जवान फिसल गई यार, माफ कर दे मेरे को। सुन, मेरे से कुछ छुपता नहीं है, क्योंकि मैं हूँ तेरे चैनल का CI। ओके भैया CI, मेरे मुंह से निकल गई, अब क्या कर सकते, गलती से मिस्टेक, आगे से ऐसा होना नहीं चाहिए। जी CI महाराज, जी CI महाराज। सो गाइस, उधर से अपने आ चुके हैं अपनी बेइज्जती करा करके। तो अभी अपन इंसान को नहीं खाएंगे, क्योंकि इंसान को ज़्यादा खाएंगे तो अपन पगला जाएंगे, क्योंकि इंसान होते ही है पागल। और इधर पे ये इंसानों को दौड़ा के खाएंगे, क्योंकि हमारा पेड़ जो है बहुत बड़ा है। और ये तुमने ऊपर चेक किया, ये सी नाम का कुछ दिया है, अब सी में क्या निकल सकता है? नहीं, इस बार मैं नहीं बताऊंगा, इस बार तुम बताओगे। और मैं तुमको हिंट दे देता हूँ, शुरुआती अक्षर जो है वो चू है। अब बताओ नीचे कमेंट में, चूतिया। अरे अरे, वैसा बार बार तो ही ना चलता है, मेरा मतलब अब ऐसा ऐसा बार बार नहीं चलता है CI महाराज, कृपया करके हम पे रहम खाइए और ऐसी हरकतें वापस ना कीजिए। जीते रहो शिष्य, सदा सुहागन रहो। अच्छा CI महाराज, आप मेरे को ये बताओ कि आपका दिमाग चूतिया है कि आप ही चूतिया हो? अच्छा तो मेरे शिष्य महोदय, आप मुझे ये बताइए कि मैं आपकी बेइज्जती वीडियो के साथ करूँ या ऑडियो से काम चल जाएगा? अरे CI महाराज, आप इतनी सी बात में गुस्सा गए, अरे छोड़ो, जाने दो। डोंट यूज माई अंडरवियर एंड आई एम एंग्री फर्स्ट एंड लैंड बाद में। ये तो टट्टी है। ओए, करू तेरी इज्जत का टट्टी? नहीं बता तू, करू तेरी इज्जत का टट्टी? अरे भाई यार, मैं तो मजाक कर रहा था, जस्ट चिल, कूल बेबी कूल।
सो गाइस इधर पे जो अपने सार्क भैया है वो मरने की हालात में आ चुके हैं, तो हम थोड़ा नीचे जाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में नहीं, कल की वीडियो में हम पूरा नीचे जाएंगे। लेकिन ये क्या, ये करंट वाली मछली ने तो हमारा राम राम सत्य कर दिया रे देवा। तो बस आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अच्छी बात, और अगर खराब लगे तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।